आप देख रहे हैं TNB। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब हिरासत में नहीं है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रियंका गांधी को सीतापुर के PSE गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करके रखा गया है। रविवार को लखीमपुर खीरी में हिंसा भड़की थी और उसी रात प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई थी। रात को ही प्रियंका लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी और सोमवार तड़के उन्हें हर गांव में पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। बताया जा रहा था कि प्रियंका को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के खिलाफ धारा 151, 107 के तहत केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक CRPC की धारा 116 के तहत SDM मामले की सुनवाई करेंगे। प्रियंका सोमवार सुबह से ही PSE गेस्ट हाउस में है। इसी गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बना दिया गया है और प्रियंका को यहीं पर गिरफ्तार करके रखा गया है। जानकारी मिली है कि प्रियंका को 4 अक्टूबर की सुबह 4:30 पर गिरफ्तार कर लिया गया था। हर गांव के SHO ने इस मामले में चलानी रिपोर्ट में भी मजिस्ट्रेट को भेज दी है। बताया जा रहा है कि SDM खुद गेस्ट हाउस में जाकर इस मामले की सुनवाई करेंगे। हर गांव के SHO ने बताया कि प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और अजय कुमार लल्लू समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की खबर आते ही कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वहीं आज सुबह से PSE गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस समर्थक जुटे हुए हैं। प्रियंका की गिरफ्तारी कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी और शर्मनाक है। उन्हें 4:30 एक पुरुष पुलिस अफसर ने सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किया। उन्हें अभी तक मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया गया। चिदम्बरम ने आगे कहा, कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मतलब अलग है। वहाँ कानून व्यवस्था का मतलब है आदित्यनाथ की व्यवस्था। ये उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब भी डाउट हो सच्चाई के रास्ते पर चलें, अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करें और मॉरल अथॉरिटी का नाम है प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो भी शेयर किया गया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने लखीमपुर हिंसा से पहले किसानों को जीप से रौंदने का एक कथित वीडियो भी शेयर किया है। हालांकि TNB इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, जिसे प्रियंका गांधी के अलावा कई लोगों ने शेयर किया है। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक जीप नजर आ रही है, जिसका सामने का शीशा टूटा हुआ है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर जा रहे हैं और जीप आगे बढ़ रहे किसानों को पीछे से आकर टक्कर मारती दिखाई दे रही है। जीप के पीछे तेजी से एक कार भी निकलते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि TNB नहीं करता। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और FIR के मुझे पिछले 48 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। अपने दूसरे पोस्ट में प्रियंका गांधी ने अपने एक वीडियो को शेयर किया, जिसमें वो कह रही है, आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए।
इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।